आई स्कोर 39.75 मार्क्स इन लीगल रीजनिंग इन क्लैट 2017, जो गुड इनफ था मुझे ऑल इंडिया रैंक 501 देने के लिए. इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस फोर थिंग्स टॉपर्स डू टू स्कोर हाई इन लीगल सेक्शन. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. आपको बेसिक लॉस सारे पढ़ने चाहिए. इस बारे में मैं दो पॉइंट्स कहना चाहूंगा. पहली चीज, अच्छी तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट्स रीड करो, जैसे फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल 226, आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन द सेम वे इंडियन पिनल कोड के इंपॉर्टेंट सेक्शन, कॉन्ट्रैक्ट एंड टॉर्ट्स के बेसिक्स. इससे ये होगा कि आप लॉ रीड करना सीख जाओगे. एक बार आपने लॉ रीड करना सीख लिया, लीगल प्रोविजंस रीड करने की स्किल आप में आ गई, तो फिर एग्जाम में आपके सामने कोई सा भी लॉ आके रख दिया जाएगा जो आपने नहीं भी रीड करा हो, आपको समझने में डिफिकल्टी नहीं आएगी, बिकॉज आपने पहले से लॉ पढ़ना सीख रखा होगा. एंड मेरी वेबसाइट पर आपको और भी आर्टिकल्स मिल जाएंगे विच वुड बी हेल्पफुल फॉर योर क्लैट प्रिपरेशन. द लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. सेकेंड थिंग, अगर आपको एग्जाम से पहले ही पता है कि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या होता है या लेट्स से स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी क्या होता है, तो फिर एग्जाम में ये पार्ट रीड करने में इतना टाइम नहीं लगेगा एंड आप क्वेश्चन कम टाइम में सॉल्व कर पाओगे. सो दीज आर द टू बेनिफिट्स ऑफ रीडिंग बेसिक लॉस. अब मेरी वेबसाइट पर मैं आर्टिकल तो लिखूंगा ही अबाउट व्हाट टू रीड, बट इसके अलावा लास्ट के 5 to 7 ईयर्स में जो भी टॉपिक्स आए हैं लीगल रीजनिंग में, उन्हें एनालाइज करो एंड स्टडी डैम. साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स न्यूज में हैं, फॉर एग्जांपल राहुल गांधी डिफेमेशन केस, तो आपको सेक्शन 499 जो डिफेमेशन से डील करता है पता होना चाहिए. यू कैन फॉलो लाइव लॉ एंड विजन आईएएस डेली पीडीएफ्स फॉर लीगल न्यूज, बट इन दोनों सोर्सेज में बहुत ही डीप इन्फॉर्मेशन होती है. इतना ज्यादा डीप रीड करने की आपको जरूरत नहीं है. रीड ओनली द फैक्चुअल पॉइंट्स फ्रॉम देयर, जिससे एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चंस बनाए जा सके. आप मेरा ये वाला वीडियो देखोगे तो आप समझ जाओगे कि किस तरीके से फैक्चुअल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं. एंड मैं एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा अबाउट हाउ टू यूज लाइव लॉ फॉर फाइंडिंग आउट इंपॉर्टेंट लीगल न्यूज. दिस इज द समरी ऑफ द फर्स्ट पॉइंट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. लीगल सेक्शन में आपको एक प्रिंसिपल दे दिया जाता है और उसके बेसिस पे आपको नेक्स्ट 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं. नाउ एक क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे अगर उसके प्रिंसिपल में दिए गए कंडीशंस आप अच्छी तरह से समझ जाते हो. तो इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू शो करता हूँ. सो क्लैट 2023 में एक क्वेश्चन था सरोगेसी के ऊपर. सरोगेसी का सिंपल लैंग्वेज में मतलब है जब एक वुमेन एक कपल के बिहाफ में प्रेगनेंसी इंड्योर करती है एंड चाइल्ड को डिलीवर करती है. सो बायोलॉजिकल मदर तो ये वुमेन होगी बट बच्चा इनका होगा. साइंटिफिक प्रोसेस होता है इस पूरी अरेंजमेंट के लिए एंड यू कैन रीड अबाउट इट ऑन द इंटरनेट. सो यस, इस पैसेज में कंडीशंस दी गई है कि कौन कौन सी कंडीशन में सरोगेसी अलाउड होगी. फॉर एग्जाम्पल, कपल इनफर्टाइल नहीं होना चाहिए. जो कपल सरोगेसी ऑप्ट करना चाहते हैं उसमें हस्बैंड की एज 26 to 55 के बीच में होनी चाहिए. वाइफ शुड बी बिटवीन 23 to 50 ईयर्स ऑफ एज. आपकी शादी को 5 साल हो जाना चाहिए मिनिमम एंड सो ऑन. ये सब कंडीशंस थी इस क्वेश्चन के प्रिंसिपल में जो आपको समझ आ जानी चाहिए. नाउ लेट्स गो टू अ क्वेश्चन. इट सेज जोसेफ एंड नीना आर कीन टू हैव अ चाइल्ड वाया सरोगेसी. दे हैव बीन मैरिड फॉर 8 years. ओके, मैरिज को 5 साल होना चाहिए मिनिमम, बट यहाँ पे 8 साल हो रहा है. दे हैव बीन अनेबल टू कंसीव बायोलॉजिकली ड्यू टू इनफर्टिलिटी. इनफर्टिलिटी भी है यहाँ पे. एज भी दोनों की सही है. नाउ उनकी एक डॉटर है अडॉप्टेड, जिसे एक सीरियस डिजीज हो रही है विथ चांसेस ऑफ डेथ. अब ऊपर वाली कंडीशन में ये लिखा हुआ था दैट एक्सेप्शन सच एज मेंटली और फिजिकली चैलेंज चिल्ड्रन और दो सफरिंग फ्रॉम ए लाइफ थ्रेटनिंग डिसऑर्डर और फेटल इलनेस. मतलब अगर आपका एक अडॉप्टेड चिल्ड्रन या चिल्ड्रन भी है और उसे कोई सीरियस डिजीज हो रही है तो भी आप सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हो. और इस वाले क्वेश्चन में ये दे रखा था कि इनकी अडॉप्टेड डॉटर को एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो रही है. सो बेस्ड ऑन दीज फैक्ट्स वो सरोगेसी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं. एंड हमारा आंसर सी होगा, बिकॉज देयर अडॉप्टेड चाइल्ड इज डायग्नोस्ड विद स्टाइकर सिंड्रोम विच मीन्स शी हैज चांसेस ऑफ डेथ. अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर आप मुझे 6 घंटे दोगे ट्री कट करने के लिए तो उसमें से 4 घंटे में केवल अपनी एक्स को शार्प करने में बिताऊंगा. आपको भी यही करना है. अगर आप लीगल रीजनिंग का एक क्वेश्चन 5 मिनट में सॉल्व करना चाहते हो तो स्पेंड 1 to 2 minutes इन अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल एंड द कंडीशंस मेंशन इन द प्रिंसिपल. फिर आप एक के बाद एक क्वेश्चन इजिली सॉल्व कर पाओगे. बट अगर आप कंडीशंस नहीं समझोगे तो नीचे जाके क्वेश्चन रीड करोगे फिर ऊपर जाओगे एंड ऐसे बैक एंड फोर्थ होता रहेगा. आई होप दिस पॉइंट हेल्प. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट लर्निंग. सो जीके में क्या होता है, एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा बट लीगल रीजनिंग में चारों ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. यू हैव टू चूज वन विच इज मोस्ट राइट. फॉर एग्जाम्पल सरोगेसी वाले इस पैसेज में ही दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं. रानी एंड शिवा वुड लाइक टू ऑप्ट फॉर सरोगेसी. दे हैव बीन मैरिड फॉर 6 years.
ओके मैरिज क्राइटेरिया इज राइट, फिर इनकी एज 51-53 है विच इज नॉट राइट, एंड इस क्वेश्चन में कहीं पे भी नहीं दे रखा कि वो इनफर्टाइल कपल है या नहीं, ये भी एक कंडीशन है जो उनको सर्टिफाई करनी होगी, बट एज यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रखा उसके बारे में, सो हम मानेंगे कि वो इनफर्टाइल नहीं है एंड उस केस में दे विल नॉट बी एलिजिबल फॉर सरोगेसी। सो लास्ट में क्वेश्चन है कि आर रानी एंड शिवा एलिजिबल फॉर सरोगेसी। अब अगर मैं फोर्थ पॉइंट रीड करता हूँ तो मुझे लगा कि यस दिस पॉइंट इज राइट बिकॉज इनफर्टाइल नहीं है तो यू कांट ऑप्ट फॉर सरोगेसी, बट अगर मैं ये मार्क करके आ जाऊंगा तो आई विल बी रॉन्ग क्योंकि थर्ड ऑप्शन ज्यादा बेटर है। इट सेज नो दे आर नॉट एलिजिबल फॉर सरोगेसी बिकॉज दे डू नॉट फॉल अंडर द लीगल रिक्वायरमेंट्स फॉर इंटेंडिंग पेरेंट्स। ऐसा क्यों? क्योंकि इनफर्टिलिटी ही अकेला कारण नहीं है जिसके कारण वो इनएलिजिबल है, द वाइफ एज इज ऑल्सो मोर देन 50, सो इन दोनों कारणों से वो इनएलिजिबल है। दिस इज वाई थर्ड ऑप्शन वुड बी मोर करेक्ट एज वो दो कारणों से इनएलिजिबल है एंड थर्ड ऑप्शन कहता है दैट दे आर नॉट फॉलिंग विद इन द लीगल रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटेंडिंग पेरेंट्स। सो यस रीड ऑल द ऑप्शन एंड मार्क दैट ऑप्शन विच इज मोस्ट राइट। कभी कभी आप प्रिंसिपल कितना ही समझने की कोशिश करोगे आपको नहीं समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल दिस वन, व्हेन पार्टीज टू ए कॉन्ट्रैक्ट आर अंडर ए मिस्टेक रिगार्डिंग एन इंपॉर्टेंट फैक्ट रिलेटेड टू सच कॉन्ट्रैक्ट इट मे अफेक्ट द कॉन्ट्रैक्ट इन टू वेज सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस प्रिंसिपल को जब मैंने पढ़ा था तो मुझे भी समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी, सो मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन रीड कर लिया एंड फिर मैं जब प्रिंसिपल पे गया तो मुझे इजिली समझ में आ गया और मैं करेक्टली आंसर भी कर पाया इस क्वेश्चन को। इसलिए कई बार आपको डायरेक्ट क्वेश्चन रीड करना चाहिए जब भी आप नहीं समझ पा रहे हो प्रिंसिपल को। अब ये वाली ट्रिक यूज करना या फिर सारे ऑप्शंस रीड करने की आदत डालना एकदम से नहीं आएगी, आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बहुत क्वेश्चन सॉल्व करके। अगर आपके पास कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट के मटेरियल है तो आप उससे ही कर सकते हो, अगर नहीं है तो यू कैन गेट देम फ्रॉम लीगल एज। मैं लीगल एज को इसलिए प्रमोट करता हूँ अपने चैनल पे बिकॉज मैंने उनके मॉक्स एंड उनके मटेरियल्स पर्सनली यूज करे थे अपनी क्लैट प्रेपरेशन जर्नी में। मैंने उनकी प्रीमियम टेस्ट सीरीज बाई करी थी जिसमें वो अपने मॉक्स एंड मटेरियल्स दोनों देते हैं। आई सॉल्व एटलीस्ट 50 फुल लेंथ मॉक्स एंड आई डोंट इवन रिमेम्बर कि मैंने कितने सारे सेक्शनल टेस्ट सॉल्व करे होंगे लॉ इंग्लिश मैथ्स एटसेट्रा के। सो लीगल एज का मटेरियल थोड़ा सा टफ होता है बट इसका फायदा ये है कि आप वर्स्ट के सिनेरियो के लिए प्रिपेयर हो जाते हो। सो एज मैंने टाई अप कर रखा है उनके साथ, यू विल गेट 15% डिस्काउंट इफ यू यूज माई कोड Harshal15 वाइल बाइंग एनीथिंग फ्रॉम लीगल एज और टॉप रैंकर्स, दोनों का सेम ही मतलब है। सो यस जितना प्रैक्टिस करोगे आप, आपका एक सिस्टम बन जाएगा उसके बाद। आपका माइंड अपने आप कहने लग जाएगा अच्छा इस क्वेश्चन में मुझे सारे ऑप्शंस रीड करना है, इस क्वेश्चन मुझे पहले क्वेश्चन रीड करना चाहिए फिर प्रिंसिपल रीड करना चाहिए एंड सो ऑन। सो दीज वर माई सजेशन टू स्कोर गुड इन लीगल सेक्शन। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। हैव अ ग्रेट डे। सो प्लीज सबर कराए सर।